और ये भी इन लोगों को अभी होश नहीं है गाइस, चोट लगी है, ऋतु 2 दिन से परेशान कर रही है। देखे गाइस ये लोग हार गए और मैं जीत गया। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस ऐसा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, हम सब भी यहाँ स्वस्थ हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है, आज का ब्लॉग चालू हो चुका है, आज है संडे ब्लॉग। तो गाइस पंडे हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बच्चे भी सो के उठ चुके हैं गाइस। यहाँ आप देख सकते हैं किट्टू यहीं पे है। हेलो किट्टू, हेलो किट्टू, गुड मॉर्निंग। देखिए गाइस शी वॉज प्रिपेयरिंग हर सेल्फ टू डू दिस। और गाइस ऋतु वहाँ बैठी हुई है, हेलो ऋतु, वहीं से हाँ अपने स्टाइल में। देखिए गाइस गुड मॉर्निंग कर रही है, हेलो ब्यूटी, गाइस यहीं से ब्यूटी भी हेलो कर रही है। तो गाइस सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, संडे ब्लॉग है, मुझे भी बहुत सारा काम है। मैं भी गया था थोड़ा दाढ़ी और बाल सेट कराने के लिए, लेकिन मेरा नाई इज़ नॉट अवेलेबल, तो मुझे कुछ दूसरा ऑप्शन सोचना पड़ेगा गाइस। फिर सोच रहा हूँ कि हाँ थोड़ा गाड़ी धुलवा लेते हैं या धो लेते हैं, जो भी हो कर सकते हैं कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से गाड़ी नहीं धुला है। तो गाइस चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मम्मी कुछ कह रही है, बोलो मम्मी। हैं अच्छा मास्टर साहब आ रहे हैं। तो गाइस एक अंकल जी हैं, वही आ रहे हैं पापा से मिलने के लिए, मास्टर साहब हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। तो गाइस मैं निकल गया हूँ गाड़ी धुलवाने के लिए, क्योंकि लाइट कटी हुई है तो पानी चल नहीं रहा है गाइस, और मोटर का पानी ज़रूरी है। तो मैं गाड़ी धुलवाने आ गया हूँ गाइस, चलिए गाड़ी धुलवाते हैं, फिर ब्लॉग को आगे भी बढ़ाते रहते हैं। अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ, वहाँ पहुँच के फिर कनेक्ट करते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली अपने गाड़ी के नंबर आ गई है धुलने की, आइए मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी कैसे धुल रहा है गाइस। ये देखिए गाइस गाड़ी वहाँ पर चढ़ गया है और वो धुल रहा है। बहुत ही मस्त मौसम है गई, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छी हवा बह रही है, बहुत अच्छी गाड़ी भी धुल रहा है, गाड़ी भी धुल रहा है। तो गाइज मस्त अपनी गाड़ी धुल चुकी है, आइए मैं आपको थोड़ा गाड़ी का दिखा देता हूँ गाइज। धुल के अभी आ गई है यहाँ पे, अब इस पर थोड़ा पॉलिश वॉलिश लगेगा गाइज, मस्त तरीके से धुल चुकी है गाड़ी। फ्रंट से थोड़ा दिखा देता हूँ, गाइस मस्त गाड़ी धुलवा के आ गए हैं अब हम घर। और देखिए गाइस किट्टू रेडी हो चुकी है नहा धोवा के, हेलो किट्टू, मिलिए किट्टू से गाइस, किट्टू हेलो। और देखिए गाइस हाँ गाइस देखिए कितनी प्यारी लग रही है इस ड्रेस में किट्टू, है ना। ये किट्टू अपना छोटा सा मोबाइल दिखा रही है गाइस। हाँ किससे बात करिए आप? नानी से। नानी से, अच्छा कीजिए। तो गाइज नानी से बात करना इनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये जब भी कुछ लेती है हाथ में तो हेलो नानी हेलो नानी करते रहती है गाइज। तो गाइज कटिंग तो नहीं हो पाया लेकिन ट्रिमिंग हो गया है, कोई बात नहीं, वो जब आएगा फिर उससे कटिंग करा लेंगे गाइज। और गाइज चलिए फ्रेश होते हैं, बहुत टाइम हो गया है, फिर भूख भी लग रही है गाइज। और ये देखिए नहा धोवा के मैडम रेडी हो गई हैं, तो चलिए गाइज फ्रेश होते हैं फिर ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज आज मैं सबसे लेट हो गया हूँ, अभी जस्ट नहा धोवा के फ्रेश हुआ हूँ गाइज, क्योंकि बहुत सारा काम था, गाड़ी धुलवाया, ट्रिम कराया, फिर बच्चों के कुछ सामान लाने थे वो भी ले आया, काफ़ी काम किया गाइस। अभी लगभग लगता है 12:30 हो गए हैं। तो चलिए गाइस ये देखिए मेरे पीछे किट्टू है, वो अलग जोन में है, और ऋतु भी गाइस इसका एक अलग ही जोन चल रहा है गाइस, अब पता नहीं आज क्या होगा लेकिन इसका एक अलग ही जोन चल रहा है गाइस। इसको मारा क्यों? ये पता है मेरे को ऐसे कर लिए और ऊपर से मेरी वॉच का बैटरी चार्जर भी छीन लिया। क्यों किट्टू? आपका है ब्यूटी, तुम यही बैठी हुई हो, देखो ये कैसे ये पिट रही है, इसको पता भी नहीं चल रहा है। दोनों का ऐसे ही चलते रहता है, दिन भर दोनों लड़ते ही रहते हैं। देखिए गाइस किट्टू गुस्सा आ रही है, किट्टू इधर 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 घूम के बात कीजिए किट्टू। देखिए सारा मारेगी मारेगी। ए इसे इसे लड़ाई नहीं करो, लड़ाई नहीं, नो मारेगी। हां मैं सब चीज दिखाऊं। हां
तो गाइज इसको चोट लग गई है, देखिए इतनी जबरदस्त की चोट लगी है, ब्लड भी निकल रहा था बहुत ज्यादा, और ये यही दिखा रही है गाइज बहुत जोर से चोट लगी है गाइज। और ये भी इन लोगों को अभी होश नहीं है गाइज, चोट लगी है, ऋतु दो दिन से परेशान कर रही है, और मैं क्या ही बताऊं, अभी कुछ देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइज, मैं क्या ही बताऊं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा गाइज, आप भी देखेंगे सब कुछ क्लियर कैसे होगा। इसको एक तो चोट लगी है, और ये देखिए कैसे कर रही है, तार मुंह में क्यों ले रही है, करंट लग जाएगा, लग जाएगा, देखो इधर करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा, करंट लगने वाला है ना, करंट लग जाएगा। दो दिन से लगातार वो मुझे बोले जा रही थी, लास्ट टू लास्ट वीक में ही हुआ होगा गाइज, आपने देखा होगा, तो अभी वो आएंगे थोड़ी देर में, और किसी को नहीं पता एक्सेप्ट ब्यूटी, ऑर्डर किया है मैंने, तभी सरप्राइज करते हैं लोगों को गाइज, मैं पे कर दूंगा, ठीक है, थैंक यू गाइज। वैसे तो ये सीन मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन ये वाकई में पूरा सरप्राइजिंग है, ऋतु को बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमने पिज़्ज़ा मंगाया है, वही दो दिन से पापा पिज़्ज़ा करेगी, तो चलिए देखिएगा मैं उसका रिएक्शन दिखाऊंगा एकदम से कैसे करेगी। ऋतु हैप्पी कैसा लगा? अरे अच्छा अच्छा, आपने पिज्जा कब ऑर्डर कर दिया? हैं ठीक है गाइस, हाँ पिज्जा मांग रही थी तुम, और पिज्जा लाने के लिए कोई तैयार था? कौन लेके आया? आप। अच्छा किट्टू कहाँ है? किट्टू को भी बुलाओ, चलो आपको पार्टी करेंगे, चलो पहले पिज्जा खाओगी, पहले ऋतु खाएगी, तुम खाओगी, मैंने कल से इंतजार किया है, कल से इंतजार किया है, मैं खाऊंगी सबसे पहले गाइस कल से। हालांकि जो उसके लिए पिज्जा के लिए जो बोल रही थी मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन कल से गाइस, कल से पिज्ज़ा के लिए ऋतु ने बहुत जोर लगाया हुआ था, तो फाइनली उसका पिज्ज़ा आ गया। देखिए गाइस ये सारे यहाँ पे बैठ गए हैं, और ये देखिए ये सारा पिज्ज़ा, इतने सारे पिज्जे गाइस, पिज्ज़ा ही पिज्ज़ा हैं। बेटे तुम भी खाओगे पिज्ज़ा? हाँ ऋतु तुम भी खाओगी? बेटे तुम नहीं खाओगे बेटा? हैं सब खाने ही वाले हैं पिज्ज़ा। ये देखिए गाइस ये किट्टू का पिज्ज़ा है, तीन अलग अलग फ्लेवर है, ये है कैप्सिकन है, और बीच वाला क्या है? डबल टॉपिंग वाला। हाँ ये वो कॉर्न है, टोमेटो है, ये पनीर है ना कि खाओ। तो गाइज अभी पिज्जा चैलेंज चल रहा था, ये देखिए किट्टू का पिज्जा भी पड़ा हुआ है, ब्रितु का भी पड़ा हुआ है, ब्यूटी का भी पड़ा हुआ है गाइज, और मेरा फिनिश हो गया, यानी कि मैं जीत गया। ये सब थोड़ी कर रहा था, मेरा तो पूरा फिनिश हो गया। नहीं 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 मेरा ये हो गया, ये सब थोड़ी खोएगा, वो थोड़ा खाने वाला एरिया नहीं, इसलिए नहीं था। नहीं गाइस मैं चैलेंज जीत गया हूँ। नहीं तो गाइस बेसिकली मैं जीत गया हूँ पिज्जा चैलेंज, और ये लोग हार गए हैं। इन लोगों को एक्चुअली मैं चाह रहा था कि जल्दी से खिला दूँ, जल्दी जल्दी खा लेकर, क्योंकि गाइस ये बहुत टाइम लेते हैं खाने में, एक स्लाइड खाने में इनको आधा घंटा लग जाता है, इसीलिए ये सारे चैलेंज हार गए गाइस, मैं चैलेंज जीत गया हूँ, ये पिज्जा चैलेंज मैं जीत गया। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय गाइज़।